हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आजकल जो है वेदर चेंज हो रहा है और वेदर चेंज होने की वजह से जो हमारी स्किन है बहुत ज़्यादा डल डिहाइड्रेटेड फील होती है। सो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखें एंड उसके लिए ज़रूरी है कि हम अच्छा फेस वॉश और अच्छा एक एक्सफोलिएटर यूज़ करें जो कि हमारे स्किन में जितने भी डेड स्किन है या फिर डेड सेल्स हैं उनको निकाल सके। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक होममेड स्क्रब जिसे यूज़ करने के बाद आपके जितने भी फेस पे एक तो स्टबन जो भी आपका ब्लैक हेड होगा और आपकी जो डेड स्किन होगी फेस से वो निकालने में वो काफ़ी हेल्प करेगा। सो जल्दी से शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक हनी एंड देन हमें चाहिए कर्ड यानी कि दही और हमें चाहिए ऑरेंज पील पाउडर। अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि ऑरेंज पील पाउडर को कैसे बनाना है तो इसके लिए मैंने एक और सेपरेट वीडियो बनाया है फॉर मेकिंग दिस ऑरेंज पील पाउडर। और अगर आप बनाना नहीं चाहते हैं तो ये ऑनलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है तो आप वो चेक कर सकते हैं। हनी में होती है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ तो ये हेल्प करता है हमारी स्किन को सूद एंड क्लियर करने में और एक हेल्दी शाइन लाने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। और हमें चाहिए योगर्ट यानी कि दही। योगर्ट जो है वो हेल्प करता है हमारी फाइन लाइंस और रिंकल्स एंड एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में। एंड हमें चाहिए ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर हेल्प करता है हमारे पिंपल्स को भी मतलब हटाने में और पिंपल्स ना हो उसके लिए भी। एंड हमारी स्किन में जो ब्लेमिशेज होते हैं डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको रिमूव करने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। इट कंट्रोल्स दी एक्सेस ऑयल जो हमारे स्किन पे एक्सेस ऑयल होती है उसको कंट्रोल करने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। सो इसको बनाने के लिए हमें इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है और जेंटली जो है अपने फेस को सर्कुलर मोशन में स्क्रब करना है। ध्यान रखिए आपको जेंटली करना है बिकॉज जो ऑरेंज पील के जो भी पार्टिकल्स हैं थोड़े से हार्श हो सकते हैं। इधर यानी कि 2 मिनट्स के अराउंड आप मसाज करने के बाद आप इसको जस्ट लीव इट ऑन योर फेस फॉर अराउंड 15-20 मिनट्स एंड देन 15-20 मिनट्स के बाद यू कैन वॉश योर फेस। सो ऑल दीज थ्री इन्ग्रीडियंट्स मेक्स एन एक्सेलेंट एक्सफोलिएटर एंड मास्क। सो ये एक्सफोलिएटर एज वेल एज मास्क दोनों का काम करेगा। ये था आज का वीडियो अबाउट DIY स्क्रब फेस मास्क। आई होप यू पीपल हैव इंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ येस देन डू लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवेंट एंड आई सी यू गाइज़ इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।